गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री केशवानंद स्वामी मम सद्गुरु विदर्भवनम देवत समी समुद्रम दृश्यमें गात्रम साधकानुग्रहार्थम स्तुति श्री शिव भान्तम बोधम आकांडम अपि शमिति मिश्रोकम श्री गुरुम भावयामि हृदयम बुजे कर्णिक मदसंस्थम सिंहासन संसि जय मूर्ति ध्याय गुरुजन शिला प्रकाशम श्री पुस्तका विष्टवृंदान श्री गुरुण कौलेभ्यो नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की यह आश्रम में 21वीं गुरु पूर्णिमा है। 1998 में आरंभ हुआ था। प्रसन्नता तो यह है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की असीम कृपा बनी रही और यह निर्बाध रूप से यहाँ के कार्यक्रम आश्रम में चल रहे हैं। ये कार्यक्रम चले, गुरु कृपा बनी रहे और हम हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने की क्रिया करें। 21वीं गुरु पूर्णिमा के होने के साथ साथ एक विशेष बात यह भी है कि राजा मानधाता जो उज्जैनी के राजा कहलाए और जहां महाकाल जी का दर्शन है, महाकाल की जहां स्थापना हुई, वहां राजा भोज जो अपने गुरु के उपलक्ष्य में गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह यही वर्ष था और इसी तरह का ग्रहण था। कम से कम कुछ नहीं तो 1026वें सन में, सन का मतलब होता है अभी यहां अपने शालिवाहन शक का 19वां चल रहा है, कम से कम 5000 साल पहले ऐसा ही चंद्रग्रहण था और राजा भोज अपने गुरु के पास गए। उनके पिता सिंधुल नाम के राजा थे जो बहुत ऐश्वर्यवान प्रतापवान और सब कुछ उनके सब उनके पास था लेकिन पुत्र संतति नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु को, उस समय के जो गुरु थे उनको बुलाया और पूछा कि मैं वृद्ध होता जा रहा हूं, मेरे पास पुत्र नहीं है और राज्य का कल क्या होगा इसका भी चिंता, इसकी भी चिंता मुझे लगी हुई, इसका कोई उपाय मुझे बताए। तो उज्जैन के राजा को उनके गुरु ने कहा कि जीवन में अस्थिरता केवल हम स्थिर प्रदान स्थिरता के साथ एक गुरु को और कुल देवता को जब तक नहीं रखते, अपने कुल के देवता को नहीं रखते, वंश की वृद्धि नहीं होती, कुल का कुल की वृद्धि नहीं होती। हम जीवन में अस्थिरता पाते हैं। अस्थिरता का मतलब होता है मेरी नौकरी का क्या होगा, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरा बेटा मुझे देखेगा या नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी कैसी होगी, बेटी की जिंदगी कैसी होगी। ये सारी अस्थिरता भरी जीवन केवल कुल देवता के पूजन न करने से प्राप्त होता है। घर में पुत्र का न होना, संतति का न होना, घर में अपना घर बांधे हुए चले जाना। आज और उस दिन के बारे में आपको मैं उदाहरण देकर बताता हूं। वो एक जमाना होता था जहां दादा परदादा भाई बहन सब इकट्ठा रहते थे और अपने गांव में उनके कुल का, उनकी मर्यादा, राज्य का, सभी का एक होता था। कभी उनके जीवन में चिंता यह न रहेगी मेरे खाने का कैसा होगा, मैं कैसे जी सकूंगा, मेरे को नौकरी मिलेगी क्या नहीं, इसकी चिंता उन्हें कभी नहीं की। चिंता थी तो केवल राक्षसों से या उन शत्रुओं से जो हड़पना चाहते हैं या उनको मारना चाहते हैं, ऐसे लोगों से। लेकिन पुत्र तो होगा या नहीं होगा, संतति होगा या नहीं होगी, नौकरी खाने पाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अस्थिरता उनके जीवन में नहीं थी। आज हमारे भी अगर हम 100-200 साल पहले देखें तो हमारी समस्याएं भी, हम भी वैसे थे। आज मैं उदाहरण के तौर पर कह नहीं, मेरे स्वयं घर के बारे में कहता हूँ। आज हमारे मेरा बेटा शार्दुल की 8वीं पीढ़ी है और हम केवल बोधन के रहने वाले हैं और मेरी माँ केवल कुल देवता के पूजा के सिवा किसकी पूजा नहीं करती, गुरु के सिवा। और आज हमारा वंश खड़ा हुआ है तो मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि हम आज खड़े हैं तो कुल देवता के कारण। स्थिरता है, हमारे किसी भाइयों को कोई नौकरी नहीं है ऐसी नहीं है, ना बहुएं आए हैं उनको कुछ कमी है ऐसी नहीं है, किसी को संतान नहीं है ऐसी भी कमी नहीं है। और यह मेरे उदाहरण के साथ मैं आज कहता हूँ कि कुल देवता के कारण यह अस्थिरता नहीं है। बहुत सारे आजकल हम देखते हैं, कहीं बेटा है तो बेटा प्रेम करके दूसरे लड़की के साथ जाना कोई गलती बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अस्थिरता है। फिर वो बेटी छोड़ देगी या नौकरी छूटेगी,
बच्चे पैदा हुए तो बच्चे अपने हैं या नहीं, बच्चे अपने को सुख देंगे या नहीं। आजकल बहुत सारे नौकरियों पर अपना घर, अपना बार, अपने अपना गांव छोड़कर दूसरे से बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों को भी छोड़ दो, अमेरिका जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, अपने बेटे वहां जाकर सेटल हो रहे हैं। उनको अपने ग्राम देवता या अपने स्थान देवता का कुछ भी ज्ञान नहीं है। और जब वे जा रहे हैं तो उनके जीवन के हद तक ही उनका घर रहेगा, बाद में वो घर कब बेचेंगे उसका पता नहीं। आज कितने सारे, आप सब लोगों में देखकर बताइए कितनी अस्थिरता है। अगर बाप घर मानता भी है तो बेटा घर बेच देता, बेटे तक घर नहीं रहता। हम सात पीढ़ियों से एक घर में रह रहे हैं। हमारे ऐसे घर में, हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कुल देवता का पूजन करते हैं। यही बात राजा भोज के पिता सिंदूल को उनके गुरु बता रहे थे। गुरु कह रहे थे कि जीवन में अस्थिरता तभी होती है, अपना बच्चा अपने से प्रेम नहीं करना, अपनी पत्नी अपने से प्रेम नहीं करना, या अपना पति अपने से प्रेम नहीं करना, अपने बच्चे अपने को बिछड़ के जाना, अपने जीवन में अस्थिरता रहना, ये केवल उसी लिए होता है कि जब हम अपने कुल देवता को छोड़ देते हैं। यह बात आज की नहीं कह रहा हूं, उस समय 1026 से पहले, यानी मैं 5000 साल पहले की बात कह रहा हूं। गजनी मोहम्मद इस भारत पर 18 बार वो इसके ऊपर आक्रमण किया। हर बार आता था, हर बार फिर जहां आक्रमण करके जाता था उसके पास धन दौलत वाले सब फिर राज बच जाता था, फिर राजा लोग रह जाते थे, फिर प्रजा सुख की शांति की रहता था। उसको आखिर पता नहीं चला कि ये भारत में होता क्या है। इतनी बार मैं इनको लूटा, फिर गांव आकर देखता हूँ, फिर आके तक ये तो गांव बसा हुआ है, फिर जैसे कि वैसे आनंद के साथ अपने घरों में बसे हुए हैं। ये कारण क्या है, ये लोगों को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आखिर वो तंग आ गया, उसने कहा 18 बार लूटा हूं लेकिन इस भारत की प्रजा ग्राम में शान में जाए, अपनी शान में रहती, अपने जीवन में एक विद्वत्ता के साथ जीती, सुख के साथ जीती है, इनका सुख कभी बिगड़ता नहीं, ऐसा क्यों। तब उसने एक वहां के यहाँ के पंडितों को लेकर चला गया और कहा कि यहाँ क्या राज है, मैं बहुत सारे देशों को लूटते हुए आया लेकिन भारत में मैं कभी नहीं देखा। हर बार लूटता हूँ फिर आगे देखता हूँ तो उनका ग्राम बसा हुआ है, उनके गांव में लोग बसे हुए हैं, उनको कुछ बिगड़ा नहीं, उनका कुछ जाता नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो उस ब्राह्मण को बहुत कहने के बाद या वहां के लोगों को पूछने के बाद उसने कहा, जब तक भारत में कुल देवता की पूजा होगी तब तक भारत को कोई नहीं बिगाड़ सकता। जब तक यहाँ के मंदिर है, मंदिरों की पूजा होती है, तब तक भारत को कोई बिगाड़ नहीं सकता। तब उसने पहला कार्य किया कि पहले यहां मंदिरों को खत्म करो, यहां के कुल देवताओं को खत्म करो, तब कहीं भारत को मैं आकर लूटूंगा वो नहीं बसेगा। और उन्होंने मंदिरों को गिराना आरंभ कर दिया और हमारी कुल देवताओं की पूजा नष्ट हुई। आज आप भी देख सकते हैं, जब से या तो अंग्रेज आए या तो दूसरे जाति के लोग जिन्होंने आक्रमण किया वो लोग आए, उन्होंने कभी मंदिरों को तोड़ा तो इन्होंने धर्म को तोड़ा, अपने कुल देवता की पूजा होनी नहीं। जब एक जगह सभी भाई रहकर इकट्ठा रहकर पूजा आदि करके अपने अपने संप्रदाय अपने मत के अनुसार चलते थे तो अंग्रेजों ने आकर पहले उनमें फूट डालने की प्रक्रिया क्या की, मैं तुम्हारे घर में एक को नौकरी लेता हूँ और वो उस गांव में रहता है तो उसकी नौकरी ले जाकर कहीं आसाम में डाल दिए, कहीं और कहीं डाल दिए, तो वहां नौकरी वहां से चला गया तो वो कुल देवता से दूर हो गया, अपने संतानों से दूर हो गया, नौकरी के माध्यम से वो दूर हो गया और अपने कुल देवता से दूर हो गया। जब हो गया तो वहां उसने अपने नौकरी के बल पर घर भी बांधा तो ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, उसका बेटा फिर पढ़ लिया, उसको नौकरी मिली, वो कहीं और चले गया, ये घर भेज दिया। स्थिरता जीवन में नहीं बनी रही, स्थिरता कहीं भी नहीं रही। और अस्थिरता का कारण जीवन में केवल और केवल इसलिए होता है कि हम कुल का देवता, मैं इसका मतलब नहीं होता कुल कोई ऐसा कुल नहीं है कि ब्राह्मण अंग्रेज, पहले सभी के कुलों में कोई भी ऐसा भारत का व्यक्ति नहीं था जो किसी भी ब्राह्मण हो क्षेत्रीय हो और कोई भी हो उनको कुल देवताएं होती थी। आज भी कुल देवताएं हैं, आज भी यही है, लेकिन हम नौकरी के कारण या और कुछ के कारण हमने अपने ग्राम देवता और इन सभी को छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वहां पूजा नहीं हुई। तो आज की संतानें ऐसे ऐसे रोगों से पीड़ित है, जिसे हम कैंसर ही कहो, डेंगू कहो, और कुछ कहो और कुछ कहो, हम ऐसे रोगों से अपने बच्चे पीड़ित है और हम कभी स्थिरता अनुभव नहीं करते। हर एक के घर में गुरुजी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे को मेहनत का पैसा नहीं मिलता, मैं बिजनेस करता हूँ। कभी पति मर गया, कभी पत्नी मर गई, कभी बेटा अनाथ हुआ, कभी माता पिता के रहते उसके सामने बेटा मर गया, ये क्या कारण हुआ, क्यों अस्थिरता है। लेकिन तुम यही पहले जमाने के देखो, माता पिता वृद्ध हुए तक रहते थे और बेटे पोता पोती उनकी सेवा कर लिया करते थे। ये कारण तब क्या था और आज क्या है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जिसने कुल देवता छोड़ी उसके परिवार में या उसके या तो शादियां नहीं हुई, शादियां हुए तो
बच्चे उनके ठीक नहीं रहे, संतान नहीं, संतान हुई तो संतान पूछने वाली नहीं रही, और संतान बिगड़ी तो बाहर चली गई। और आजकल मेन समस्या सबसे ज्यादा है मनुष्य में पागलपन का दौरा पड़ना या माइंड में ब्लॉक आना। आजकल बहुत सारे लोग ने, बहुत सारे लोगों में ये चीज हो रही है, और वो लोग कभी सुखी नहीं रहते, ना पति को सुखी रखते हैं, ना खुद सुखी रहते हैं, ना किसको सुख देते हैं। क्यों कारण हुआ? पहले क्या था इस देश में और आज क्या हो रहा है?